देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर मीडिया में डिबेट्स कम ही देखने को मिलती हैं। सत्ता में आने से पहले मोदी जी ने अपने कई भाषणों में बेरोजगारी का जिक्र किया था। इसके अलावा उन्होंने यूपीए सरकार पर निशाना भी साधा था। आज हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की है, लेकिन देश के नौजवान बेरोजगार बैठे। कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वादा किया था। आप में कोई है जिसको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया हो? अरे भाई बहनों, रोजगार लेने की बात छोड़ो, आगरा में तो सारे कारखानों को ताला लगा दिया है। कि वो सत्ता में आएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। कांग्रेस ने वादा किया था। जरा बिहार के नौजवान जोरों से बोलिए, कांग्रेस ने रोजगार देने का वादा किया था। आपको रोजगार मिला? आपको नौकरी मिली? भाइयों बहनों, अगर मेरे नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वाह मोदी जी, वाह वाह। पर अब के हालात ये हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े सरकार ने देने बंद ही कर दिए हैं। कोरोना महामारी से पहले देश में बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर थी, इसलिए ये तो कहना सही नहीं होगा कि कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। अभी के ताज़ा आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक 16 मई को खत्म हुए सप्ताह के दौरान बेरोजगारी दर बढ़कर लगभग 14% हो गई है। पिछले एक साल का ये सबसे अधिकतम स्तर है। बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ बात रवीश कुमार ने NDTV पर अपने शो में की। भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2020-21 की सालाना रिपोर्ट जारी की। इस सालाना रिपोर्ट में रोजगार का आंकड़ा ही नहीं था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ही है जो बेरोजगार का सर्वे करता है और उसी से आंकड़े का अंदाजा मिलता है। हालत यह है कि उद्योगों की संस्था CII भी CMIE के आंकड़ों को ही कोट कर रही है। लोगों की आमदनी किस तरह से प्रभावित हुई है, इस पर सरकार बात नहीं करती। लोग भी सरकार के बारे में किसी और मसले को लेकर बात कर रहे होते हैं। हालत यह है कि बहुत से माँ बाप के पास फीस भरने के पैसे नहीं है। शिक्षा मंत्रालय यह भी नहीं बताता कि महामारी के दौरान कितने बच्चों के स्कूल छूट गए हैं फीस न भरने के कारण। यही नहीं, जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं उन्हें क्लास का लिंक नहीं भेजा जा रहा है, एक तरह से क्लास से निकालना ही हुआ। मुंबई के ऐसे माँ बाप अदालत के पास गए हैं। ऐसे मसलों पर कहां तो सरकार को लोगों के पास जाना चाहिए, लेकिन लोग अदालत के पास जा रहे हैं कि सरकार सुन ले। आप इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए पंजाब टुडे के साथ। धन्यवाद। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।